दोस्तों, 14 अप्रैल 2019 को मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन में एक 11 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले एक युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आरोपी पुलिस के पकड़ से बाहर था। इसी क्रम में 15 अप्रैल 2019 को रात के करीब 11 बजे एक 22 वर्षीय लड़की के साथ भी अश्लील हरकत की घटना सामने आई थी और पीड़ित लड़की ने इसकी शिकायत नया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, लेकिन इस मामले में भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर था। दो दिन के अंदर दो अलग अलग लड़की के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आने पर थाने ग्रामीण के एसपी डॉक्टर शिवाजी राठौड़ ने दोनों मामले को गंभीरता से लेते हुए इन दोनों मामले में लिप्त आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का आदेश काशीमीरा के लोकल क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस अधिकारी व्यंकट आंदले और इनकी टीम को दिया। लोकल क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस अधिकारी व्यंकट आंदले ने थाने ग्रामीण के एसपी डॉक्टर शिवाजी राठौड़ और एडिशनल एसपी संजय पाटिल के मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच की टीम का नेतृत्व करते हुए इन दोनों घटनाओं में लिप्त आरोपी की तलाश शुरू की। जगह जगह लगे सीसीटीवी के फुटेज का विश्लेषण शुरू किया और आरोपी का वीडियो ढूंढ निकाला, लेकिन फिर भी आरोपी पकड़ के बाहर था, क्योंकि आरोपी का फोटो तो था लेकिन आरोपी को फोटो के आधार पर पूरे मीरा भाईंदर क्षेत्र से ढूंढ निकालना थोड़ा मुश्किल था। आरोपी के फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया गया, लेकिन फिर भी पता नहीं मिल पा रहा था। सीसीटीवी के फुटेज से मिली वीडियो के आधार पर आरोपी के आने जाने के रास्ते पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी और फिर 3 मई 2019 को गुप्त जानकारी के आधार पर लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी मीरा रोड स्थित नया नगर के नरेंद्र पार्क का रहने वाला था। आरोपी का नाम महफूज मकसूद आलम शेख है। आरोपी 21 वर्ष का है। लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर नया नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया पिछले 2 साल से वो इस तरह की हरकत कर रहा था। थाने ग्रामीण के एसपी डॉक्टर शिवाजी राठौड़ और एडिशनल एसपी संजय पाटिल के मार्गदर्शन में काशीमीरा लोकल क्राइम ब्रांच की टीम के सीनियर पीआई व्यंकट आंदले, पुलिस निरीक्षक प्रमोद बड़ाक, पुलिस उप निरीक्षक अभिजीत भूपेंद्र टेलर तथा अनिल वेले, किशोर वडिले, चंद्रकांत पोशिरकर, संदीप शिंडे, अर्जुन जाधव, अशोक पाटिल, संजय शिंडे, अविनाश गर्जे, पुष्पेंद्र थापा, सचिन सावंत, प्रदीप टक्के, मनोज चौहान, राजेश श्रीवास्तव, सतीश जगताप और महेश बेले ने मिलकर काम करते हुए हमेशा की तरह इस मामले में भी फरार आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। 14/4/2019 और 16/4/2019 ये दो तारीखों को हमारे नया नगर पुलिस स्टेशन में 2 FIR दर्ज हुए। उसके अंदर फिरियादी के साथ एक नौजवान लड़के ने छेड़खानी और गलत गलत लैंग्वेज में उनसे बातें की थी, तो सीसीटीवी फुटेज में वो सब कैद हुआ था। तो उस आधार पर नया नगर पुलिस स्टेशन और हमारी LCB थाने ग्रामीण ये आरोपी का सर्च कर रहे थे। उस दौरान LCB थाने ग्रामीण के इंफॉर्मेशन के ऊपर उसको अरेस्ट किया गया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो आरोपी पकड़ा गया है इसके ऊपर कितने गुने दाखिल है और इस तरह के और भी गुने हो सकते हैं क्या? उस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जनता से हमारी अपील है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा कोई गलत हरकत हुई होंगी और अभी आपने कंप्लेंट नहीं किया होगा तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन से संपर्क करके आप कंप्लेंट कर सकते हैं उसके बारे में।